थाने में पत्रकारों पर पुलिसिया तांडव की मुख्यमंत्री ने डीजीपी से मांगी आख्या। 17 जुलाई को प्रयागराज के सराय इनायत थाने में थाना अध्यक्ष संजय द्विवेदी, कौशलेंद्र द्विवेदी और आकाश कुमार राय के द्वारा पत्रकार अजय विश्वकर्मा, इरफान खान और 8 माह की गर्भवती अजय की पत्नी सरिता विश्वकर्मा को पीटा गया था। इस प्रकरण में प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित मीडिया हब के संचालक, शार्क रिपोर्टर और मनमीत पत्रिका के संस्थापक वीरेंद्र सिंह पत्रकार ने 60 पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल के साथ 18 जुलाई को तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित से पुलिस लाइन में मुलाकात की थी और उन्होंने मामले की जांच सीओ फूलपुर उमेश शर्मा को सौंपी थी। बाद में पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित पर पुलिस कर्मियों को बचाने का आरोप लगा था और इसी मामले पर प्रश्न पूछा गया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकार सौरभ सिंह सोमवंशी को पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करने की नसीहत दी थी। पत्रकारों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। थक हार कर पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल ने सौरभ सिंह सोमवंशी, अनिल कुमार पटेल के नेतृत्व में 24 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की थी। योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से मामले की जांच कर आख्या मांगी है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से जिला क्राइम ब्यूरो रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। सर, सराय नायक पत्रकारों के साथ कैसे न्याय होगा? सर, समस्या गाँव सालाओं की है। सर, कैसे न्याय? सर, सराय नायक पत्रकार जो पीटे हैं, कैसे न्याय होगा? पत्रकारिता छोड़ करके नेतागिरी करो। नहीं सर, एक बार बताएं, एप्लीकेशन दे चुके पास होगी।